अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हो और एसटी कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, एसटी का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके एसटी का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूं। अगर अप्लाई करना चाहते हो, साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूँगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आ सकते हो, या आप गूगल में आ जाइए, वहाँ से आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। जैसे ही आप गूगल में आ जाएंगे, आपने जस्ट टाइप करना है जेके सर्विस प्लस। नीचे आप फर्स्ट लिंक आप देख रहे होंगे, jansugam.jk.gov.in, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। अब आपने फर्स्ट लिंक जनसगाम वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे इस फर्स्ट लिंक पर क्लिक करोगे, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन हो जाओगे। सर्विस प्लस की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर साइट के बारे में जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शन डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अप्लाई करने के लिए आपने सबसे टॉप थ्री लाइन्स पर टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप थ्री लाइन्स पर टैग पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया लॉगिन। अब आपने लॉगिन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन वाले टैग पर क्लिक करोगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप ऑलरेडी से रजिस्टर हो तो आप लॉगिन करके फॉर्म वगैरह को फिलअप कर सकते हो। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो, पहली बार साइट पर गए हो, तो आपने थोड़ा सा ऊपर नीचे आ जाना। अगर आप ऑलरेडी से रजिस्टर हो तो आप लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। फ्रेश कैंडिडेट ने आप नीचे लास्ट पर जाना है। लास्ट पर आप देखेंगे न्यू यूज़र साइन अप। अब आपने साइन अप वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे, अगर आप पहली बार साइट पर गए हो तो आपने न्यू यूज़र के आगे साइन अप वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे साइन अप वाले टैग पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। अब आप खुद का या किसी भी अदर पर्सन का फॉर्म फिलअप कर रहे हो, उसी पर्सन का आपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है। चलिए, अपना मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद आपने जनरेट ओटीपी वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे जनरेट ओटीपी वाले टैग पर क्लिक करोगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट ओटीपी सेंड किया जाएगा। आपने ओटीपी को फिलअप कर लेना है। याद रहे, जो मोबाइल नंबर आपने फिलअप किया है, उस पर आपको वन टाइम ओटीपी सेंड किया जाएगा। आपने ओटीपी फिलअप करने के बाद सबमिट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर फर्स्ट नेम यहाँ पर मेंशन कर देना है। अगर आप अपना लास्ट टाइम मेंशन करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज आप इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ सकते हो। फर्स्ट नेम मेंशन करने के बाद जो भी कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप करा है, उसके अपने डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कर देना है। डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इसके अलावा मेल या फीमेल कैंडिडेट जिसके जरिए आप लॉगिन कर रहे हो, आप मेल फीमेल यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। मेल फीमेल सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे यूज़र आईडी यहाँ पर क्रिएट कर लेनी है। आप अपना नाम के आगे 123XYZ कुछ भी मेंशन कर सकते हो, जो भी आपका नाम है उसके आगे आपने 12345 जो भी आप लगाना चाहो लगा सकते हो। आपने अपनी मर्जी कोई भी यूज़र आईडी आपने क्रिएट कर लेनी है। याद रहे, आप इसी यूज़र आईडी के जरिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा आपने इस यूज़र आईडी को ज़रूर नोट डाउन कर लेना है। इसके अलावा आपने नीचे अपनी मर्जी को भी पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद दोबारा से कन्फर्म पासवर्ड में इसी पासवर्ड को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। मैं रिकमेंड करूँगा आपने इस पासवर्ड को ज़रूर नोट डाउन कर लेना है। कम से कम आपने 8 डिजिट का पासवर्ड रख लेना है। पासवर्ड फिलअप करने के बाद दोबारा से कन्फर्म पासवर्ड फिलअप करने के बाद नीचे आपने आई एक्सेप्ट वाले टैग टर्म एंड कंडीशन को आपने एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आई एक्सेप्ट वाले टैग पर क्लिक करने के बाद तमाम की तमाम टर्म एंड कंडीशन आपके सामने ओपन हो जाएंगी। आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा आप इन टर्म एंड कंडीशन को एक बार ज़रूर रीड आउट कीजिए। उसके बाद आपने नीचे लास्ट पर आने के बाद एग्री वाले टैग पर क्लिक कर देना है। टर्म एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप एग्री वाले टैग पर क्लिक करोगे, तमाम की तमाम डिटेल्स आप एक बार दोबारा से चेकआउट कीजिए। उसके बाद आप नीचे वेरीफाई वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे वेरीफाई वाले टैग पर क्लिक करोगे, आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद अब आपने दोबारा से लॉगिन करके बाकी फॉर्म वगैरह को फिलअप कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आपसे यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांग रहा है। चलिए, आप मैं मोबाइल नंबर टैग पर अपने क्लिक कर देना। मोबाइल नंबर, अब आपने जो भी मोबाइल नंबर आपने पहले फिलअप किया था वही मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद नीचे जो आपने पासवर्ड फिलअप किया था वही पासवर्ड फिलअप करने के बाद नीचे आई कंसर्न वाले टैग पर अपने क्लिक करने के बाद नीचे साइन इन वाले टैग पर क्लिक कर देना। अपना 10 डिजिट मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद जैसे साइन इन वाले टैग पर क्लिक करोगे, आपके मोबाइल नंबर ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी फिलअप करने के बाद आप इस साइट में लॉगिन हो जाओगे। ये सर्विस प्लस की साइट पर आप लॉगिन हो चुके हो, यहाँ पर आपका नाम वगैरह आपको शो हो जाएगा। कोई भी फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपने इस साइट थ्री लाइन्स वाले टैग पर क्लिक कर देना। ये सर्विस प्लस की ऑफिशियल वेबसाइट में आप लॉगिन हो चुके हैं। किसी भी एसटी अप्लाई करने के लिए आपने पर थ्री लाइन्स वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप थ्री लाइन्स वाले टैग पर क्लिक करोगे, तमाम की तमाम सर्विस आपको
ओपन हो जाएगी। नीचे आपने अप्लाई फॉर सर्विसवेयर टैग पर क्लिक कर देना है, उसके बाद व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसवेयर टैग पर क्लिक कर देना है। पहले अप्लाई फॉर सर्विस, उसके बाद व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसवेयर टैग पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे व्यू ऑल सर्विसवेयर टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जम्मू और कश्मीर की जितनी भी सर्विस होंगी, जेके सर्विस के अंदर तमाम की तमाम आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। आप वन बाय वन करके तमाम को चेकआउट कर सकते हो। चलिए आप अगर आप एस टी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आप सर्च बॉक्स में एस टी या फिर स्टूल कास्ट वगैरह आप मैंशन कीजिए, आपको नीचे शो हो जाएगा। चलिए मैं एस टी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एस टी यहाँ पर ढूंढ लेता हूँ। यहाँ पर चलिए थोड़ा सा पर नीचे जाने के बाद एप्लीकेशन फॉर इशू सर्टिफिकेट आप बीइंग टू मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एससी एसटी। अब आप एससी या एसटी के लिए अप्लाई करें तो आपने यहाँ पर एससी और एसटी सर्टिफिकेट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन इशू फॉर बीइंग मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, अब आपने एससी और एसटी वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने स्टेप बाय स्टेप करके पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर लेना। एसटी और एससी दोनों के लिए सेम फॉर्म रहेगा। चलिए फॉर्म फिलअप करने के लिए आपने यहाँ पर थोड़ा सा पर नीचे आ जाना है। सबसे पहले अब आप किस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो डिस्ट्रिक्ट आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह के लिए आप एसटी अप्लाई करना चाहते हो वो डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट कर लेना है। मैक्सिमम कैंडिडेट इस टाइम पुनः डिस्ट्रिक्ट और जो डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर रहे होंगे आप अपने अकॉर्डिंग ही देख लीजिए आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हो। आपने अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज़ कर लेना है। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज़, जिस भी कैंडिडेट का मैं फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ उसका डिस्ट्रिक्ट मैं यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग आप अपना ही डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज़ कीजिए। जिस भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह से आप बिलोंग करते हो आपने अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज़ कर लेना है। उसके बाद चलिए मैं अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। जिस कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करें उसी का अपने डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद उस कैंडिडेट के अपने तहसील को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी तहसील वगैरह से आप बिलोंग करते हो आप अपना ही तहसील यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। पहले डिस्ट्रिक्ट, उस डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी तहसीलें होंगी तमाम तहसीलें आपके सामने शो हो जाएंगी। अब आप जिस भी तहसील वगैरह से आप बिलोंग करते हो आपने अपना तहसील यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा अब आप जो भी सर्टिफिकेट आप एसटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, यूटी के लिए या सेंटर के लिए, आप वन बाय वन करके दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पर यूटी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। आप चाहो तो दोनों के लिए वन बाय वन करके अलग अलग करके दो फॉर्म आपको फिलअप करने पड़ेंगे। चलिए मैं यहाँ पर यूटी सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप चाहो तो सेंटर या यूटी, जो भी आप जिस सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई करना चाहो कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा आपने वन बाय वन करके दोनों के लिए अप्लाई कर लेना। आप वन बाय वन करके दोनों कैटेगरी एक साथ अप्लाई कर सकते हो। चलिए आप यूटी या फिर सेंटर जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो आपने सेलेक्ट कर लेना। यूटी या फिर सेंटर सेलेक्ट करने के बाद नीचे शेड्यूल कास्ट एसटी या फिर एससी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वही आपने पर सेलेक्ट कर लेना। चलिए मैं एसटी के लिए अप्लाई कर रहा हूं, यहां पर मैं एसटी सेलेक्ट कर रहा हूं। अगर आप एससी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपने एससी ही सेलेक्ट कर लेना। एसटी अप्लाई करने के लिए आपने सेकंड ऑप्शन एसटी चूज कर लेना है। इसके बाद आपने नीचे आने के बाद वन बाय वन करके फुल डिटेल्स मेंशन कर देनी है। अब आप खुद का या किसी भी अदर कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करें उस कैंडिडेट का अपना नाम मेंशन कर देना। दिहाड़ी नाम आपने वही मेंशन करना जो आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और टेंथ की मार्कशीट पर मेंशन होगा। नाम बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए, अदरवाइज आपको बाद में प्रॉब्लम वगैरह आ सकती है। नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी टेंथ क्लास की मार्कशीट, आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट और आपके आधार कार्ड वगैरह के साथ मैच करता हो। नाम फिलअप करने के बाद जी मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा या रही है आपने उसका अपन मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना है। मेल फीमेल सेलेक्ट करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हो उसके अपने डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कर देना है। डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ भी आपने वही सेलेक्ट करनी है जो आपकी टेंथ क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। याद रही डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए जो आपकी टेंथ क्लास की मार्कशीट पर है, सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करें उसी का अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है। 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद प्लेस ऑफ बर्थ, जिस भी प्लेस वगैरह में आपका बर्थ हुआ प्लेस ऑफ बर्थ आपने मेंशन कर देनी है। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसके अपने ईमेल आईडी को मेंशन कर देना है। याद रही मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपने ठीक से मेंशन करने, इसी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में सेंड की जाएगी। इसके अलावा रिलेशनशिप ऑफ फादर नेम या फिर चलिए डॉटर ऑफ फादर, चलिए मैं रिलेशन वाले टैग पर क्लिक कर देता हूँ। रिलेशनशिप यहाँ पर सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, चलिए मैं यहाँ पर सन ऑफ चूज़ कर रहा हूँ। अगर आप डॉटर ऑफ फीमेल कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करो डॉटर पर मेंशन कर सकते हो। अगर आपकी शादी वगैरह हो चुकी है तो वाइफ आप भी मेंशन कर सकते हो। चलिए मेरे केस में पर सन ऑफ आ रहा, आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। अगर आपने सन ऑफ चूज़ किया यहाँ पर डॉटर ऑफ तो आपने अपना फादर नेम आपने मेंशन कर देना है। अगर आपने वाइफ ऑफ सेलेक्ट किया तो अपने हस्बैंड का नाम आपने पर मेंशन कर देना है। फादर नेम
या फिर हस्बैंड नेम, इनमें से कोई भी एक नाम आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो। फादर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपके 10th क्लास या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर आपके आधार कार्ड पर मेंशन होगा। इसके अलावा अपना मदर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। दिहाड़ी आपका नाम, पेरेंटेज एंड डेट ऑफ बर्थ आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। इसके अलावा करंट एड्रेस वन बाय वन करके फुल लोकल एड्रेस आपने मेंशन करने के बाद अगर आपका पैरामीटर एड्रेस कॉर्पोरेट एड्रेस सेम है तो आपने उसी एड्रेस को नीचे मेंशन कर देना है। इन केस अगर आपका अलग से है तो आप अलग करके भी मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा मैरिड अनमैरिड जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा या रही आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो। मैरिड अनमैरिड टिक करने के बाद फैमिली इनकम अगर आप मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ सकते हो। इसके अलावा अब आप जो एसटी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो किस वगैरह से आप बिलोंग करते हो, किस जो भी आपके यहाँ पर ज़ात वगैरह किस ज़ात वगैरह से आप बिलोंग करते हो तो आपने वहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। याद रहे अगर आप डिस्ट्रिक्ट पुंछ या फिर डिस्ट्रिक्ट रजौरी से बिलोंग करते हो, अगर आप पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पर पहाड़ी वाले टैग पर अपने क्लिक कर देना है। याद रहे आप किसी भी, चलिए मैं अपने अगर आप डिस्ट्रिक्ट पुंछ या फिर डिस्ट्रिक्ट रजौरी से फॉर्म को फिलअप करें तो आपने इस ऑप्शन के ऊपर चूज़ कर लेना है। इसके अलावा नीचे यहाँ पर येस या नो डू यू कॉन्सीड शेयर ईमेल आईडी मोबाइल नंबर, चलिए अगर आप शेयर करना चाहो तो आप येस मेंशन करना कर सकते हो, अगर आप नो भी मेंशन कर सकते हो। उसके बाद अपने आई एग्री वाले टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे जो भी आपको वेरिफिकेशन कोड आपको सिक्योरिटी कोड आपको दिया गया है, सिक्योरिटी कोड फिलअप करने के बाद नीचे अपने सबमिट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। सबमिट वाले टैग पर क्लिक करने से पहले मैं रिकमेंड करूँगा नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसके अलावा लोकल एड्रेस, जितनी भी डिटेल्स अभी तक आपने फिलअप की हैं आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने सबमिट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट वाले टैग पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको बताया गया कि आपका फॉर्म लगभग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, एप्लीकेशन नॉट येट सबमिट। चलिए फॉर्म नीचे आने के बाद अगर आप एडिट वगैरह करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद अटैच डॉक्यूमेंट टैग पर क्लिक कर देना है। अभी आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे तो आपने अटैच वाले टैग पर अपने क्लिक कर देना है। अगर कोई भी मिस्टेक वगैरह है तो अभी भी आप इन स्टेप में एडिट वगैरह कर सकते हो। चलिए हमारे केस में तमाम ठीक है तो यहाँ पर अटैच डॉक्यूमेंट वाले टैग पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद नीचे आने के बाद आपको वन बाय वन करके यहाँ पर तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। सबसे पहले अपने आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट आप इनमें से कोई भी एक यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर आधार कार्ड, इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहो कर सकते हो। वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है आपने उसको पर सेलेक्ट कर लेना। मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पर आधार कार्ड ही होगा। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं अपना आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद ब्राउज़र टैग पर क्लिक करके अपने आधार कार्ड को अपलोड कर लेना है। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट को भी अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा राशन कार्ड आपको बोथ साइड अपलोड करना पड़ेगा, आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसके अलावा राशन कार्ड, तीन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद आपने नीचे आ जाना। फोर्थ डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर मिसले हकीकत या फिर जमाबंदी या फिर इसके अलावा शजरा नसब, इन तीनों में से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है मैं रेकमेंड करूँगा आप शजरा नसब को यहाँ पर ज़रूर अपलोड कीजिए। शजरा नसब को डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पर चलिए इन तीनों में से आप एक को डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, मैं रेकमेंड करूँगा आपने शजरा नसब को ज़रूर अपलोड कर लेना। इसके अलावा मिसले हकीकत या फिर जमाबंदी आप अपलोड करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। अगर इसके अलावा कोई अदर डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप अदर करके भी उसको अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आपने सेव वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे आपने चार डॉक्यूमेंट ज़रूर अपलोड करने हैं, आपका आधार कार्ड, इसके अलावा आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपका राशन कार्ड, इसके अलावा यहाँ पर शजा नसब। उसके बाद आपने सेव वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव टैग पर क्लिक करोगे जो जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए होंगे तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट आपको शो हो जाएंगे, आप उनको चेकआउट करना चाहो तो क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। चलिए हमारे केस में तमाम ठीक है, मैं अपन नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद आपने अपन नीचे सबमिट वाले टैग पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आपका नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, तमाम की तमाम डिटेल्स दोबारा आपको शो हो जाएंगी। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने मेक पेमेंट वाले टैग पर क्लिक कर देना। जैसे आप मेक पेमेंट वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, जितनी भी अमाउंट आपसे काटी जाएगी वो आपको शो हो जाएगी। नीचे आने के बाद आपने मेक पेमेंट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट, अब आपने मेक पेमेंट वाले टैग पर क्लिक कर देना है।
जैसे आप मेक पेमेंट वाले टैग पर क्लिक करोगे ये पेज आपको रिडायरेक्ट यानी मेन पेज पेमेंट पेज पर आपको ले जाएगा। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड के जरिए अपनी पेमेंट वगैरह कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपके सामने जो फॉर्म आपने फिलअप किया उसकी पीडीएफ आपको ओपन हो जाएगी। तो बस इस तरह से आसानी से आप एसटी या फिर एससी के लिए अप्लाई कर सकते हो।